अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार प्यार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सारे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे जी। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम बना रहे हैं फिश। वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आज बारिश थी। बारिश के मौसम में फिश खाने का और ही मज़ा है। क्यों भी, हाँ जी मुझे पता है, बहुत मज़ा आता है बारिश के मौसम में। ठीक है जी, अब मैम हम बताएंगे आपको क्या क्या डालना है और कैसे इसको करना है। ठीक है, इसमें जाएगा पहले सिरका डाल के धोए, मछली को साफ किया है अच्छी तरह, उसकी सिपियाँ भी उतारी हैं, साफ की हैं। फिर उसमें डाला है लेमन, लेमन के जूस डाला है। फिर दरफन मिर्चा डाली है, अजवाइन डाली है, और लहसुन का पेस्ट, नमक और काली मिर्चें, ये सारी चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हैं, पीस लिए। मुझे इधर मज़ा आता है पीसने में और मज़े की बनती है, ये जायका अच्छा होता है। हाँ जी, जैसे कि मेरी मामा ने बताया, आपने सुन लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको 1 घंटे के लिए रख देना है। ठीक है जी, 1 घंटा जब हो गया, इसको निकाल के इसको थोड़ा सा फ्राई पैन में ऑयल डाल के फ्राई कर लेना है, और बस। इट्स सो इजी एंड सो सिंपल। ठीक है जी, इतनी जल्दी बन जाती है। ये है कि सिर्फ जो घंटा वो जो आपने रखना होता है वही टाइम लगता है, बाकी बहुत जल्दी बन जाएगी। हाँ जी, दूसरी बात आपको बतानी है कि आपने अब ऑयल थोड़ा सा कम यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल यूज़ किया वो हैवी हो जानी है। तो इफ्तारी के टाइम खाओगे हैवी थिंग्स तो हेल्थ के लिए बुरी है। क्यों भाई, समोसे पकोड़े जो खाते हैं वो कह रहे होंगे कोई नहीं खैर है, कोई खैर है। नहीं, खैर नहीं है। प्लीज़ 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 ध्यान रखो। ये हल्का सा ऑयल डालूंगी मैं, ज़्यादा ऑयल मैं नहीं फ्राई करती, हल्का सा। ये इसमें भी डालूंगी, इसमें आलू बना रही हूँ, पोटैटोस। हाँ, खाली जगह ये जाएंगे इसमें। तो गाइस, ये रेडी हो गया अभी तरह से, एंड पोटैटोस रह गए रेडी होने के लिए। गोदाम पे बनेंगे, गोदाम पे बनेंगे, वो काफ़ी देर लगा देंगे। तो इसलिए हमने कहा पोटैटोस की बाद में आपको दिखा देंगे, जब निकल आए बन गए तो फिर आपको दिखाएंगे कैसे हो जाएंगे। ठीक है, और जो फिश है वो तैयार है। अलविदा मेरे प्यार प्यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को थम्स अप करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सारे इन्जॉय कर लें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।